क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्रतिशत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये है ए बी का कितना परसेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। वैसे सेकंड हो गया बी ए का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक नोट डाल के लिख लीजिए, जिसके पास का या से वो हमेशा डिवाइड में रहेगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो किसके पास का है, बी के पास का है, तो इसका मतलब नीचे बी रहेगा ऊपर ए रहेगा इनटू 100। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी ए का कितना प्रतिशत है, तो कब है किसके पास है, ए के पास, तो नीचे कौन रहेगा ए ऊपर डिवाइड बी रहेगा इनटू 100। यही हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई माइनस एक्स अपॉन वाई कमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई ज्ञात कीजिए। देखें एक्स वाई से 20% कम है, वाई एक्स किससे कम है 20% वाई से, तो परसेंटेज हटाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 100 से लिख सकते हैं 1/5। जिसके पास का या से होता वो हमेशा नीचे रहेगा, तो वाई हमारा 5 हो गया, एक कम है इसमें डिफरेंस, तो 4, ये हमारा एक्स हो गया, तो एक्स हमारा 4 हो गया और वाई 5 हो गया। तो फर्स्ट क्या है, फाई माइनस एक्स अपॉन वाई, मान रख देंगे 5 माइनस 4 अपॉन 5, तो 1/5। सेकेंड हमारा है एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स हमारा कितना था 4 4 माइनस 5 4 अपॉन माइनस 1 माइनस का 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक्स का 8% वाई के 4% के समान हो तो एक्स का 20% समान है। एक्स का 8% बराबर वाई के 4% के, तो एक्स का 20% इज इक्वल टू वाई के जो भी परसेंट हो अभी निकालते हैं। तो हमें 8% से 20% तक जाने के लिए हम इसमें 5/2 का गुणा कर दें तो x का 20% हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी हम 5/2 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा y के 10%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है x का मान 5 के मान से 25% कम, ठीक, हमें निकालना क्या है y का मान x के मान से अधिक, y का मान x के मान से
से अधिक। तीन में एक नोट डाल के लिख लीजिए। जब क्वेश्चन में अधिक पूछे तो डिवाइड में छोटी संख्या आएगी। सेकंड, जब क्वेश्चन में कम पूछे तो डिवाइड में बड़ी संख्या आएगी। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स का मान से 25% कम, तो 25% मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 1/4। तो जिसके पास का या से वो हमेशा इससे कम है, इनका डिफरेंस एक कम था, यानी कि 3 हमारा एक्स का मान हो गया। अब पूछा अधिक, क्वेश्चन में पूछा है मान अधिक, तो अधिक में हमेशा छोटी वैल्यू नीचे आएगी। इन दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 - 3 = 1 × 100। इसको लिख सकते हैं 33 / 1/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। 4 नंबर, माना संख्या वो x थी जिसमें 5/3 से गुणा करना के बजाय उसने x में 3/5 से गुणा कर दिया, जिसके कारण इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 5x / 3 - 3x / 5, इनका एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25x - 9x = 16x / 15। तो परसेंटेज त्रुटि 16x / 15, वास्तविक संख्या हमारी क्या थी, 5x / 3 × 100। बाहर का बाहर से गुणा होता है और अंदर से अंदर का, तो इसे लिख सकते हैं 16x / 3 / 15x / 5 मल्टीपल वाई 100। एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 5 से जाएगा 4 बार, तो 12 हो जाएगा 16 × 4 64% की उससे से त्रुटि हुई। क्वेश्चन नंबर 5, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट लाइन से सॉल्व करते हैं। जैसे कि सी बी और ए, तो
बी की आय ई की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय हमने 100 मान ली, इससे 25% बी की अधिक है, तो ये हमारी 125 हो जाएगी। आप फर्स्ट लाइन पर चलते हैं, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, इससे ये 20% अधिक है। 20% को लिख सकते हैं अधिक, अधिक की बात कर इसे लिख सकते हैं 1/5, यानी कि इसे 125 का 6/5, तो इसे लिख सकते, ये हो जाएगा हमारे 150। ये हो गया 150। अब दूसरा, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी अधिक है, 50। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 का अधिक में हमेशा छोटी वाली वैल्यू नीचे, मल्टीपल बाय 100 बराबर 50%। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो बॉयज एंड गर्ल का रेशियो है, 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं, तो 20 + 60 = 40, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 972। 2 की वैल्यू 972 दे रखी है और हमें 3 की वैल्यू बतानी है। 1 की वैल्यू 972 डिवाइडेड बाय 2 और 3 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 4 × 8 = 16, 2 × 12, 3 से गुणा करेंगे 3 × 18, 8 × 3 = 24, 1 = 25, 3 × 12, 2 = 1458। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 4/6 = 2/3% खर्च करता है और वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रतिमास याद कीजिए। 4/6 = 2/3% को हम लिख सकते हैं 200/3%, 200/3 × 100, 0 से 0, 2/3, यानी कि उसकी कुल आय थी 3, 2 खर्च कर रहा है तो बचत कितने की कर रहा है, 1 की बचत 1 = 1200 के, तो उसका व्यय हमारा कितना है, 2 × 1200 = 2 = 2400 रुपये। ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो बी बराबर ए का एक्स परसेंट हमें बताना है। बी बराबर हमें ए इंटू एक्स परसेंट बताना है, तो ये इसका मतलब बी हमें 100% चाहिए, तो बी में हम 2 का गुणा करा दें तो ये हमारा 100 हो जाएगा, तो मैं 2 का गुणा तो 160, तो ये हमारा हो जाएगा 160% आंसर। यदि एक्स वाई का 80% हो, एक्स वाई का 80% से लिख सकते हैं 80/100 4/5, जिसके पास का या से वो वैल्यू नीचे और ये एक्स का मान हो जाएगा। अब पूछ रहा है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है,
एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। एक्स से पूछ रहा है तो एक्स को हम 100 करेंगे, 4 × 25, तो ये हमारा एक्स 100 हो जाएगा। तो वाई में भी वाई हमारा 5 है, 5 में 25 का मल्टीपल करेंगे तो 125% आंसर आ जाएगा। एक हज़ार का 25% का 1% का 1% क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। 1000 का 25% का 1% का 1% इक्वल टू क्या? तो 1000 मल्टीप्लाई 25% हटाएंगे 100 से, भाग देंगे 1/100 हटाएंगे 100 से, भाग देंगे 100, तो 1 2 1 2 1 1, 25 × 25, 25 × 100 हमारे पास बचा 1/40। अब इसे भाग देना हमें 1/40 से, तो हम जब इसको भाग देंगे तो 40 एक बार नहीं जाएगा, 0.0 लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, क्या अभी जा रहा है? नहीं जा रहा है तो 0, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, अब दो बार जाएगा, 40 × 80 हमारे पास बचा 2 20, 0 200 हो गया, तो 40 × 5 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.025% आंसर।